थाना 24 में किसी बदमाश को गोली लगी है, क्या है पूरा मामला? देखिए, स्ट्रीट क्राइम्स को रोकने के लिए हमारी टीम लगातार प्रयासरत है। कल ही हम लोगों ने एक बहुत बड़े ऑटो लिफ्टर गैंग को पकड़ा था, और जैसा कि हम लोगों ने जो स्नैचिंग्स वगैरह घटनाओं को रोकने के लिए डिफरेंट टाइम्स पे हमने टीम लगा रखी है, उसमें एक मॉर्निंग वॉकर्स जो निकलते हैं उनके साथ भी घटनाएं पूर्व में हुई हैं, और उसको रोकने के लिए हम लोगों ने टीम लगा रखी है। आज ACP 2 और सेक्टर 24 के SHO को आज सफलता मिली है। आज हम लोगों ने एक बिना नंबर प्लेट की ब्लैक कलर की स्प्लेंडर बाइक पे एक व्यक्ति जा रहा था, उसको रोकने का प्रयास किया गया RTO कार्यालय के पास। अभी से कुछ देर पहले 9:30 के आसपास की घटना है, और वो रुका नहीं, भागा। हम लोग को डाउट लगा, हम लोगों ने चारों तरफ से घेराबंदी की। उसने हमारे टीम्स पर अटैक किया, जवाबी कार्रवाई में वो घायल हुआ है, उसको तत्काल हम लोगों ने हॉस्पिटल भिजवाया है। उसने पूछताछ में अपना नाम पिंटू उर्फ नेवला बताया है, जो मयूर विहार फेज 3 का रहने वाला है, और इसके ऊपर लगभग 18-19 स्नैचिंग और बाइक चोरी के मुकदमे हैं। और ये हमारे इस पूरे NCR क्षेत्र में, दिल्ली में, हमारे नोएडा में, गाजियाबाद में, चारों तरफ ये स्नैचिंग घटनाएं करता था। अभी हमारे यहाँ सेक्टर 58 और 24 से वांटेड भी था। इसके पोजीशन से एक बाइक बिना नंबर प्लेट की, उसकी जांच की जा रही है, और एक तमंचा बरामद हुआ है, 2 मोबाइल भी बरामद हुआ है। इस मोबाइल के बारे में अभी जानकारी नहीं हुई है, छानबीन कर रहे हैं। बाकी इस गैंग में और इसके साथ जुड़े हुए कितने लोग हैं, इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।